तो यार वेलकम बैक टू रेसल रिपोर्टर। मैं हूं आपका रिपोर्टर प्रिंस और आज की इस वीडियो में मेरे पास आप सभी के लिए दो बड़ी अपडेट्स हैं, जहां सबसे पहले हम बात करेंगे WWE यूनिवर्स से किसी फैन के अरेस्ट होने के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे रोमन रेंस के बारे में कि आखिर रोमन रेंस कैसे हेटर्स के चैंट्स का रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी के साथ रोमन रेंस ने रिटायरमेंट को लेकर भी कुछ कहा, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं WWE यूनिवर्स से किसी फैन के अरेस्ट होने के बारे में। तो यार आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बता दूं कि जब एलिमिनेशन चैम्बर पे पर व्यू में रोंडा रोजे का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग चल रहा था, उस टाइम क्राउड से किसी फैन को अरेस्ट किया गया। क्यों किया गया, इसके पीछे रीज़न बताया जा रहा है कि उसने किसी से फाइट कर ली थी और इसमें एल्कोहल का भी कोई केस इन्वॉल्व है। खैर अब हम बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो यार एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीतने के बाद उनका ESPN के साथ इंटरव्यू हुआ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रोमन रेंस जब रिंग में होते हैं तो वहां के लोगों से उन्हें काफी बू और बुरे चैंट्स का सामना करना पड़ता है। तो इसी बारे में उनसे पूछा गया कि वो इसका कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो रोमन रेंस ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मुझसे जो हो पाता है मैं वो करता हूँ। आप किसी सिचुएशन को सॉल्व करना तभी सीख पाओगे जब आप उस सिचुएशन में जाते हो। मैं वहाँ जाता हूँ और बस अपना काम करता हूँ और जैसे मैं इसे हैंडल कर पाता हूँ वैसे करता हूँ। रिस्पॉन्ड करने का एक ही तरीका है कि मैं वहाँ पर जाऊँ और मुझे जो काम करना है वो करूँ, और यही एक तरीका है हेटर्स को रिस्पॉन्ड करने का। अब मैं किसी के लिए अपने आप को चेंज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसके अलावा उनसे रेसलमेनिया को लगातार चौथी बार मेन इवेंट करने के बारे में भी पूछा गया। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे करियर को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया गया है। हमें कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है। अगर हमें 4 महीने सिर्फ आराम करने को मिल जाए तो फिर मजा ही आ जाए, पर ऐसा नहीं होता है। पूरा साल हमें लगातार काम करना पड़ता है क्योंकि हमें सभी को इंटरटेन भी करना पड़ता है। इसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट के बारे में बात करते हुए कहा कि होपफुली एक दिन आएगा जब मैं घर पे आराम से बैठूंगा, अपने बच्चों के साथ रिलैक्स करूंगा और बैठ के सोचूंगा कि मैंने अपने करियर में क्या क्या किया है। अच्छी बात यह है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ सब कुछ रिकॉर्डेड होता है, तो जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो फिर मैं आराम से अपने पास्ट को देख पाऊंगा। तो यार ये था रोमन रेंस का जवाब। इससे पता चलता है कि रोमन रेंस ने भी इस बात को रियलाइज कर लिया है कि फ्यूचर में कभी ना कभी तो उन्हें रिटायर होना ही है। रोमन रेंस जब रिटायर हो जाएंगे तो उनके फैंस को काफी बुरा लगेगा, पर यहाँ पे जैसा कि रोमन रेंस ने बताया कि रेसलर्स को साल भर लगातार काम करना पड़ता है, तो ऐसे में फ्यूचर में हमारे फेवरेट सुपरस्टार्स को रिटायर होना भी जरूरी है ताकि वो भी अपने लाइफ में इतना सारा काम करने के बाद आराम से बिना किसी टेंशन के अपने लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो फ्रेंड्स ये थी आज की इस वीडियो में कुछ बड़ी अपडेट्स। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, साथ ही आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसे ही न्यूज़ और रूमर्स अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।